आज के टॉपिक में हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे। रासायनिक क्रियाशीलता में हम लोग कई बिंदुओं की बात करेंगे। सबसे पहला हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। हम ये बताना चाहते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का अर्थ होता है कि सामान्यतः जो सभी तत्वों को द्वारा दर्शाया जाए। ग्रुप 15 एलिमेंट्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई? -3, +3 और +5 है। देखिए ये -3, -+3 और +5 की हम बात किए। यहाँ हम बात करना चाहते हैं कि अगर ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर जाती हैं तो सामान्यतः -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति घटती है। क्यों घटती है कि टॉप, अगर ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जबकि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति नॉन मेटेलिक करेक्टर को शो करता है। तो अभी हमने कहा, आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ज्यादा किसकी है, तो आप क्या बताइएगा? नाइट्रोजन का। अभी हमने कहा टॉप से बॉटम की ओर अगर जाएंगे -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति घटेगी। क्यों घटेगी? जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अर्थात मेटैलिक करेक्टर अर्थात धात्विक गुण बढ़ता जाता है। यही कारण है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप 15 में कौन ऐसा तत्व है जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हार्डली शो करता है, तो वह तत्व क्या है? बिस्मथ। बिस्मथ सामान्यतः +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। आगे हम बात करते हैं इन ऑक्सीडेशन अवस्थाओं का अस्थायित्व किस प्रकार से प्रभावित होता है। जैसा कि हम बताए आप लोगों को कि अगर ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर जाती हैं, तो ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और हमने बताया क्या कि इस वर्ग के तत्व मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकते हैं। अगर आप बात किया जाए, हालांकि ये शो तो जरूर करते हैं, लेकिन वर्ग में टॉप से बॉटम की ओर जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की बात किया जाए और कहा जाए कि इनमें मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, तो हम बताएंगे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरी बात समझिए, इससे प्रश्न आता है। अभी हमने कहा कि इस वर्ग के मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है? 5 है। ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और लेकिन आप ये भी जान जाओ कि टॉप से बॉटम की ओर जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का अस्थायित्व जो है, स्टेबिलिटी जो है, ये क्या होती है? बढ़ती है। तो आप कहिएगा कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का अस्थायित्व क्यों नहीं बढ़ता है? उसका मेन कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहाँ पर हम आपको एक नई बात की बात कर रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का हिंदी हो गया अक्रिय, पेयर युग्म, और इफेक्ट का मतलब प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव का अर्थ क्या हुआ? इस इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, इस अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण प्रभावी रूप से हम देखते हैं कि डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, जितनी आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहिए उतनी आसानी से वो त्यागता नहीं है, खास करके डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। ये जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका अस्थायित्व क्या हो जाता है? घट जाता है।
आपसे पूछा जाए क्यों, तो आप बताइएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों भाई? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और डी ऑर्बिटल ही मौजूद है। जैसे जैसे डी ऑर्बिटल की दूरी बढ़ती जाती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि बिस्मुथ अगर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है तो क्या वह BCl5 बनाता है? नहीं, ये अभी हमने कहा कि बिस्मत जो है बहुत ही मुश्किल से सिर्फ जो है प्लस फाइव स्टेट दर्शाता है और वह भी सिर्फ BIF5 में बनाता है। तो यहाँ दो प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि प्लस थ्री और प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन पी ब्लॉक के एलिमेंट में किसका स्थायित्व तो ज्यादा है, तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ही लागू है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व तो अधिक होता है, दोनों में डिफरेंस है। पी ब्लॉक के एलिमेंट में अभी हमने कहा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में घट जाता है, अर्थात प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्थायी है। किसमें भाई? तो टॉप से बॉटम की ओर हम जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि टॉप के जो एलिमेंट है सामान्यतः माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाएंगे, सामान्यतः अन्य एलिमेंट जो है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट उनका स्थायित्व तो है, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं, लेकिन उसका स्थायित्व तो क्या होता है, कंपेरेटिवली घट जाता है। क्यों? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं। अब हम देखते हैं इसी वर्ग में, जैसा कि हम बताए कि पहला तत्व कौन है, नाइट्रोजन। अब ये देखिए नाइट्रोजन में क्या क्या वेरिएशन है, नाइट्रोजन का कोई टेंडेंसी क्या है, ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखलाता है, जबकि फास्फोरस में हम लोगों ने देखा यहाँ नहीं, हालांकि फास्फोरस भी प्लस वन दिखलाता है, कब दिखलाता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। नाइट्रोजन सामान्यतः प्लस वन, प्लस टू, प्लस फोर, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाता है, जबकि डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण हमने कहा कि NCl5 का निर्माण नहीं करता है। समझिए बात, आपसे पूछा जाए क्या नाइट्रोजन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? बिल्कुल शो करता है, नाइट्रोजन N2O5 का निर्माण करता है और ऐसी अवस्था में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वहां जो है प्लस फाइव है, लेकिन NCl5 या NF5 इत्यादि का निर्माण वो नहीं करता है। तो अभी हमने कहा, पहले समझिए मेरी बात, नाइट्रोजन क्या क्या शो करता है, प्लस वन, प्लस टू, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट, सामान्यतः प्लस फाइव भी शो करता है, लेकिन इसके मैक्सिमम कोवेलेंसी अधिकतम सहसंयोजकता चार से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये तो हमने इस वर्ग के जितने भी तत्व थे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या होता है कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा से अगर वह यौगिक का निर्माण करता है तो डिफरेंट एटम जो है कितना हाइपोथेटिकल आवेश प्रत्येक एटम रियलाइज करता है उसी संख्या को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट एक काल्पनिक चार्ज है जो किसी तत्व किसी यौगिक में भिन्न भिन्न तत्वों को अगर आयन में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्रत्येक परमाणु उस चार्ज को महसूस करता है। और हमने अभी बताया कि नाइट्रोजन प्लस वन, प्लस टू, प्लस फोर, प्लस फाइव इत्यादि ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण मैक्सिमम कोवेलेंसी अधिकतम सहसंयोजकता चार ही शो करेगा। इस पर हम बार बार जोर दे रहे हैं, चार शो करेगा, चार शो करेगा, इस पर भी आप भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, अगर इस वर्ग के तत्व हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी क्रियाशीलता किस प्रभाव से प्रभावित होती है, यह टॉपिक आप लोगों की ऑब्जेक्टिव के लिए या कंपटीशन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम देखिए VVI भी टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं, ये जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर अभी हम बात कर रहे थे वर्ग 15 के तत्व
अगर कोई भी तत्व जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो ऐसी अवस्था में वो हाइड्राइड का निर्माण करता है। और इस वर्ग के सभी तत्व, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मथ हो, ये सभी तत्व हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। और सामान्यतः यह प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। नाइट्रोजन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, माइनस थ्री है। फास्फोरस में भी माइनस थ्री है, लेकिन BiH3 में यह इसका क्या हो गया है, प्लस थ्री है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी हमने कहा अभी नाइट्रोजन इसके हाइड्राइड क्या हो गया, NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। सबसे पहला आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इन सभी हाइड्राइडों में तापीय अस्थायित्व का क्रम क्या है। तापीय अस्थायित्व का मतलब क्या हो गया, अगर हम इस हाइड्राइड को गर्म करते हैं तो कौन आसानी से क्या होता है, टूट जाता है। तो आप लोग ये जानते हो कि जैसे जैसे किसी परमाणु का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने के कारण क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाता है। और आपसे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात किया जाए न्यूक्लियस से, तो सापेक्षिक रूप से घट जाती है। सामान्यतः अगर तापीय स्थायित्व की हम बात करते हैं तो जो छोटा एलिमेंट है उसका हाइड्राइड का स्थायित्व क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और जिस तत्व का आकार बड़ा है अगर वह हाइड्राइड बनाता है तो उसका तापीय स्थायित्व क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, उसी तरह से आप समझिए, ग्रुप 15 में अगर हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी अर्थात तापीय स्थायित्व घटता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा तापीय स्टेबल कौन है, अमोनिया NH3, उससे कम स्टेबल कौन है, PH3, उससे कम स्टेबल ASH3, उससे कम स्टेबल क्या हो गया है, SBH3, और सबसे कम स्टेबल कौन है, BiH3। समझिए, सबसे ज्यादा स्टेबल अमोनिया है, NH3 है, और सबसे कम स्टेबल क्या है, BiH3। तो आगे हम बात करते हैं दोनों ही तापीय स्थायित्व और बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कैसे कोरिलेटेड है, देखिए, अभी हमने कहा कि जिस परमाणु का आकार बढ़ेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सामान्यतः क्या होता है, घट जाता है। तो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी अमोनिया को तोड़ने में लगेगा, अर्थात सबसे ज्यादा आबंध वियोजन एंथैल्पी का मान किसके साथ है, NH3 में है, और सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका होगा, BiH3 के क्रम में होगा। फिर से समझिए, अभी हमने कहा कि जिनका तापीय स्थायित्व सबसे कम है उनका आबंध वियोजन एंथैल्पी भी सबसे कम होगा, अर्थात NH3 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ग्रेटर है किसके तुलना में, PH3 के तुलना में। PH3 का ग्रेटर है ASH3 की तुलना में, ASH3 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, SBH3 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, BiH3। ठीक है, आगे का टॉपिक भी कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर हम बेसिसिटी की बात करते हैं। बेसिसिटी को हम हिंदी में कहते हैं क्षारकता। बेसिसिटी क्या है, अगर ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड की बेसिसिटी की बात किया जाता है, क्षारकता की बात किया जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि ग्रुप में अगर हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो इनकी बेसिसिटी घट जाती है। हम लोगों ने दो तीन बात को देखा, सबसे ज्यादा क्या था, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी किसका था, NH3 का। बेसिसिटी भी ठीक उसी प्रकार से प्रभावित है, बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, NH3 का,
उससे कम किसका होगा? PS3 का, उससे कम ASH3, उससे कम SBH3, और SBH3 का ज्यादा या इक्वल टू, दोनों ही केस हो सकता है, SBH3 का बेसिसिटी और BiH3 की बेसिसिटी या तो बराबर भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। समझ रहे हैं? फिर से समझिए, बेसिसिटी में ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पर बेसिसिटी का क्रम क्या होता है? डिक्रीज करता है, घटता है, इसलिए हम बताते हैं NH3 इज मोर का बेसिसिटी ज्यादा है किससे? PS3 से। PS3 का ज्यादा है ESH3 से, ASH3 का ज्यादा है SBH3 से, और BiH3 और SBH3 की बात किया जाए तो SBH3 की बेसिसिटी सामान्यतः ज्यादा या इसके बराबर भी हो सकती है। अगला पॉइंट उसी तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करते हैं, इसके अवकारक गुण की बात करते हैं। रिड्यूसिंग करेक्टर के इसके हाइड्राइड किस प्रकार से अवकारक गुण शो करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के? तो देखिए, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड का रिड्यूसिंग करेक्टर क्या है? वर्ग में टॉप से बॉटम जाने पर बढ़ता है। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे, टॉप से बॉटम की ओर जा रहे थे, तो बेसिसिटी घटता था। इसके पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की ही बात हमने किया कि घट जाता है, लेकिन अगर रिड्यूसिंग करेक्टर की बात किया जाए तो आप लोग ये जान जाइए कि मेटल जो है, धातु जो होते हैं, उनका मेन प्रवृत्ति क्या होता है? रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करने का है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि NH3 और BH3 में रिड्यूसिंग करेक्टर ज्यादा किसका है, तो किसका है? BiH3 का। यहाँ देखिए, BiH3 का रिड्यूसिंग करेक्टर क्या है? सबसे ज्यादा है। उससे कम किसका है? SbH3 का है। उससे कम किसका है? आर्सेनिक हाइड्राइड का है। और सबसे कम रिड्यूसिंग करेक्टर किसका है? NH3 का है। फिर से देखिए, BnH3 इज लेस देन BH3 इज लेस देन ASH3 इज लेस देन SbH3 इज लेस देन BiH3। यहाँ तक हम लोग बात करते हैं। आगे हम इसके बीच में बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि इन सभी तत्वों में अगर देखा जाए, सभी एलिमेंट, सभी हाइड्राइड में 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके कारण सामान्यतः 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर अगर मौजूद है तो प्रसंकरण क्या होगा? sp3 होगा। और ऐसी अवस्था में सामान्यतः इन सब हाइड्राइडों की संरचना कैसी होनी चाहिए? पिरामिडल होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी अगर हम बात किया जाए, क्या इन सभी हाइड्राइडों का बॉन्ड एंगल समान है? नहीं, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। देखिए कैसे परिवर्तन है, किसका ज्यादा है? अगर हाइड्राइड बनाता है ग्रुप 15 के एलिमेंट, तो ऐसी अवस्था में अगर हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो सामान्यतः बॉन्ड एंगल का मान घटता जाता है। मतलब NH3 का बॉन्ड एंगल कितना है? 107 डिग्री है ना। उससे अगर PS3 से तुलना किया जाए तो उससे कम पाया जाएगा। उससे सापेक्षिक रूप से कम आर्सेनिक हाइड्राइड में है, उससे कम किसमें है? एंटीमनी हाइड्राइड में है, और सबसे कम किसका है? बिस्मथ हाइड्राइड अर्थात BiH3 में। जैसा आप पुनः समझिए, इस हाइड्राइड में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है। सामान्यतः इन सभी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि तत्वों के आकार बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछता है, सामान्यतः हम लोग चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, यहाँ हम लोग जानते हैं कि तत्व का आकार अगर बढ़ता है तो इनके मध्य बांडरवाल आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। और जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है
तो स्वाभाविक है बांडरवाल आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है और ऐसी अवस्था में आकार बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ता है। जैसे हम पहले भी ऑर्गेनिक में पढ़ा चुके थे कि कार्बन की संख्या बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन शाखाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। यहाँ अभी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो स्वाभाविक है कि अगर आपसे कहा जाए इस वर्ग के किस हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नीचे के हाइड्राइड अर्थात BiH3 का होगा। उससे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, SbH3 का होगा। लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड जो है बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेड हम देख पाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट जो है PH3 या ASH3 की तुलना में क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। समझिए बात आपसे, अभी हमने कहा कि टॉप से बॉटम की ओर जाने पर तत्वों का आकार बढ़ने के कारण सरफेस एरिया का मान बढ़ जाता है और सरफेस एरिया के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड क्या करेक्टर है कि अमोनिया और PH3 की बात किया जाए, NH3 और PH3 की बात किया जाए, तो हम ये पाते हैं कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 के सापेक्ष अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसकी भी एक खास वजह है। PH3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से क्या होता है, कम होता है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। एक्चुअली NH3 में नाइट्रोजन का आकार छोटा है और एवं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता उच्च है। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि वह तत्व जिसका आकार छोटा और विद्युत ऋणात्मकता उच्च हो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, अर्थात हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए दो प्रॉपर्टी चाहिए। पहला क्या, जैसा कि हम बताए क्या कि PH3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम होता है, क्यों कम होता है इसी की बात हम कर रहे थे। हम बता रहे थे कि सामान्यतः हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए दो कैरेक्टर चाहिए, क्या क्या कि तत्वों का आकार स्मॉल होना चाहिए, साइज स्मॉल हो, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, हाई हो। और ये दोनों कैरेक्टर नाइट्रोजन में पाया जा रहा है, लेकिन फास्फोरस में डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण उसका आकार क्या हो गया, बड़ा है, अतः यह हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। और यही कारण है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट PH3 की तुलना में क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। आगे देखिए, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि नाइट्रोजन, क्वेश्चन है आपसे, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है जबकि पेंटा हैलाइड का निर्माण नहीं करता है, क्यों। देखिए आपसे पूछता है, एक प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है जैसे N2O5 का निर्माण करता है जबकि यह NCl5 और NF5 का निर्माण नहीं करता है, क्यों। बात मेरी समझ में आ रही होगी, आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में S में 2 और P में 3 विन्यास है जिसमें S का 1 ऑर्बिटल और P का 3 ऑर्बिटल है, फिर समझिए कि क्या ऐसा कारण है जिसके कारण यह NCl5 का निर्माण नहीं कर पाता है। S और P का 3 ऑर्बिटल है, अर्थात S का 1 ऑर्बिटल और P का 3 ऑर्बिटल, अर्थात टोटल ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, 4 है, और 1 ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और आप जानते हो कि बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 4 ही ऑर्बिटल है, अधिक से यह 4 बॉन्ड बना सकता है।
और यही कारण है कि इस तत्व की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना है, 4 से अधिक नहीं हो सकता है। जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व जो हैं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सबों में डी और वाइटल क्या है कि अनुपस्थित के कारण सॉरी डी और वाइटल उपस्थित है। अतः डी और वाइटल के उपस्थित होने के कारण उसमें अब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन के एक्सटेंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मेरे पास 5 और वाइटल है ही नहीं तो 5 बॉन्ड का निर्माण कहाँ से हो सकता है, लेकिन डी और वाइटल में, डी सबसेल में कितने और वाइटल, 5 और वाइटल है। हालांकि इसके बाह्यतम कक्षा में जैसा हमने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो अधिक से अधिक ये 5 बॉन्ड का ही निर्माण कर सकता है। तो यही कारण है कि नाइट्रोजन में डी और वाइटल नहीं है और ये 4 से अधिक बॉन्ड का एक्सटेंशन नहीं कर सकता है और इसलिए इसकी कोवेलेंसी 4 से अधिक नहीं हो सकती।